नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुनील लाडो कार में। सो आज आप सभी के सामने खड़ी हुई है हुंडई एक्सटर का ये एसएक्स वेरिएंट, तो आज इसी को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही में बात करते हुए चलेंगे इस माइक्रो एसयूवी कार की प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। लुक्स एंड फीचर्स का काफी बड़ा आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है इस माइक्रो एसयूवी कार के साथ। प्राइस रेंज की बात कीजिए तो भाई साहब 6 लाख से कार एक शोरूम स्टार्ट हो जाती है एंड इसका टॉप मॉडल भी जाएगा 12 लाख के आसपास तक ऑन रोड लखनऊ। एंड इंजन स्पेक में आपको इस कार में पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रोवाइड किए जाएंगे इस कार के साथ। वेरिएंट्स आपको उसमें मिलते हैं 5, इसका बेस रहता है EX, देन S, SX, SX ऑप्शनल एंड SX ऑप्शनल कनेक्ट रहेगा इसका टॉप मॉडल। सबसे पहले आपको दिखा देगा इसकी की, तो यहाँ पे इस तरह रहेगी जिसमें लॉक अनलॉक बुटपन के बटन, पीछे रहेगा हुंडई का लोगो, एक रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की, दूसरी मैनुअल फिजिकल की, देन फ्रंट फेशियर की तरफ आएंगे तो देखेंगे हुंडई का लोगो, यहाँ पे बड़ी सी एक्स्ट्रा की बैजिंग शर्ट एंड फिनिश में, ग्रिल देख रहे हैं ना भाई साहब पूरी दी जा रही है आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। साइड में यहाँ पे इसके एच शेप में देखते हैं इसके DRL डेटाइम रनिंग लाइट्स, इसी में यहाँ पे नीचे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, प्रोजेक्टर पीले वाले, यहाँ पे हेडलाइट्स का पूरा सेटअप मिलेगा, व्हाइट वाली LED आपको नहीं मिलेगी इस कार में। यहाँ पे टोइंग का ऑप्शन, लोअर ग्रिल ब्लैक कलर की एंड स्किड प्लेट देख रहे हैं ना भाई साहब कितनी बड़ी सी आपको दी गई जो एकदम मस्कुलर सी लग रही है। नीचे का इस तरह पूरा रहता है इसका फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस कार में मिलेगा वही 185 mm का। इसके बाद ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। रूफ में देखते हैं तो बड़े से पे सनरूफ, रूफ रेल्स, अंदर टच स्क्रीन, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की, ये सारे फीचर्स आएंगे इस वेरिएंट के साथ। ORVM डुअल टोन में ऑटो फोल्डेबल फीचर के साथ, इसी में यहाँ पे देखेंगे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। देन यहाँ पे 15 इंच के इसके स्टाइलिश स्टीरिंग आपको ऑफर किए जा रहे हैं, तो हुंडई का लोगो यहाँ पे देख सकते हैं। आगे डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगे, पीछे ड्रम ब्रेक्स। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो आइए देखते हैं, 175/65 15 इंच इसके यहाँ पे रहते हैं, ये इतना कुछ यहाँ पे ट्रैवल। ब्लैक कलर की देखेंगे इसकी क्लाइडिंग, और ये क्लाइडिंग यहाँ पे भी नीचे भी पूरा कंटिन्यू रहेगी। अभी अंदर का एक बार आपको इसका व्यू दिखाते हैं, ये भाई साहब वही हुंडई ऑरा नियॉन वाला पूरा फील देगा इसका डैशबोर्ड, जो आपको डुअल टोन में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या भाई साहब, ये देख रहे ना ऊपर रूफ में देखिए, आपको इसमें सनरूफ वगैरह मिल जाएगी, 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड फीचर मिल जाते हैं इस कार के साथ, और ये वाले पिलर्स आपको मिलता है मैट ब्लैक फिनिश में, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसके देखेंगे रूफ रेल्स, पीछे यहाँ पे शेफन एंटीना, और ये रहेगी गाड़ी की बढ़िया से पूरी यहाँ पे साइड प्रोफाइल। वारंटी की बात की जाए तो इस हुंडई एक्सटर के साथ आपको इसमें 3 साल 1 लाख किलोमीटर की यहाँ पे वारंटी देखने को मिलने वाली है इस कार में। इसको चाहें तो आगे भी 5 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। बाकी अगर आप टाटा पंसेस का कंपटीशन कराते तो भाई फीचर्स वाइज तो नो डाउट एक नंबर की ये रहेगी, बाकी बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी वाइज वाली ज़्यादा बेटर रहेगी हमारी पंच। सभी कार्स का अपना प्लस एंड माइनस पॉइंट होता है, तो ये डिपेंड करता है आपको किसको प्रेफरेंस देना है एक नंबर पे। रियर में सबसे पहले देखेंगे तो वही हुंडई का लोगो शर्ट एंड फिनिश में, जस्ट उसके नीचे यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट, यहाँ पे पूरी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, और एच सेप में ही आपको यहाँ पे इसके LED बैकलाइट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले इसके बेसिक वेरिएंट से। 6 एयरबैग्स भाई साहब स्टैंडर्ड, ये फीचर आपको बेसिक मॉडल से मिलेगा। यहाँ पे इसका डिफॉगर दिया गया, रियर वाइपर नहीं रहेगा, बाकी ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प ये देख रहे हैं ना ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसका रहेगा। स्पॉइलर जो पूरा कनेक्टेड लग रहा है इसके रूफ रेल से। नीचे यहाँ पे एक्स्टर की बैजिंग आपको मिल जाती है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स वगैरह इसके बम्पर में। स्किड प्लेट देख रहे हैं ना यहाँ पे भी भाई साहब कितनी बड़ी साइज की मिलती है। बाकी नीचे का ये रहेगा इसका रियर सस्पेंशन सेटअप, यहाँ पे टोइंग हुक एंड एग्जॉस्ट पाइप रहेगी राइट साइड में। तो ये थी भाई साहब इस कार की पूरी बैक प्रोफाइल। अभी आई चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ, तो इसको खोलते हैं। सो यहाँ पे आपको इस कार में मिलने वाला है 391 लीटर का बूट स्पेस। अगर टाटा पंच से कंपेयर करेंगे तो आपको भाई साहब 25 लीटर का बूट स्पेस आपको ज़्यादा मिलेगा इस कार में। नीचे आराम से पूरा पे सामान वगैरह प्लेस कर दीजिए, उसके बाद कहीं पे भी निकल जाए ट्रिप पे, सीट पूरी 100% फोल्डेबल पीछे वाली। यहाँ पे इसका स्टेपनी वाला टायर स्टीलिंग जो आपको दी जा रहा है, यहाँ पे जैक टूल पाना वगैरह, ये भाई साहब 14 इंचेस का मिल रहा है, चारों आपको दी जा रहा है। यहाँ पे स्टाइलिश रिम जो आपको मिलते हैं 15 इंचेस के, एक साइज यहाँ पे छोटा रहेगा इसका ये स्प्रे व्हील, इसको ज़्यादा हटा भी सकते हैं इसकी पार्सल ट्रे। बाकी आगे का इस तरह यहाँ पे डैशबोर्ड। CNG वेरिएंट में जाएंगे तो यहाँ पे भाई साहब टैंक भी प्लेस होगा, तो जाहिर बात है यहाँ पे थोड़ा बूट स्पेस कम हो जाएगा। यानी इसी के साथ अब बात की जाए अगर इसके डायमेंशन के बारे में, तो आपको इस कार में 3815 mm की इस कार के यहाँ पे लेंथ, 1710 mm की इस गाड़ी की विथ चौड़ाई एंड 1631 mm की इस कार के यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाती है। हाइट वाइज भाई साहब 16 mm की इस गाड़ी की आपको ज़्यादा मिलेगी, एंड लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो टाटा पंच से थोड़ी सी कम रहती है ये हमारी कार। व्हील बेस आपको इसमें मिलेगा 2450 mm का। तो ये थी यहाँ पे इस कार की पूरी डायमेंशन। देन आगे आएंगे, ये रहेगा इसका यहाँ पे फ्यूल फिलर कैप, यहाँ से आप इसमें पेट्रोल फिल कराएंगे, 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है आपको इस कार की। ये लास्ट वाले पिलर पर देखेंगे पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिलेगा। तो आइए अब चलते कार के अंदर, खोलते हैं आप इसकी डोर को। डोर ट्रिम देखेंगे तो ऑल ब्लैक आपको मिलने वाली है इस कार के साथ। यहाँ पे इसका डोर ओपनर, नीचे की तरफ देखेंगे पावर विंडो का कंट्रोल, स्पीकर, बॉटल होल्डर मिल जाता है इनकी डोर्स में। इस तरह पुरान के सीट्स का लेआउट
एंड बैठने के बाद सबसे पहले देखेंगे तो आपको इस कार में मिलते बड़े सारे रियर एसी वेंट्स जो आपको टड़प पंच में देखने को नहीं मिलेंगे। नीचे यहाँ पे रहेंगे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, तो ये भाई साहब इसका एक प्लस पॉइंट यहाँ पे रहेगा। ऊपर यहाँ पे हो गई सनरूफ, तो इस तरह इलेक्ट्रिक सनरूफ, यहाँ पे पीली वाली वही रूफ लाइट। तो आगे का डैशबोर्ड भी आगे चलेंगे तो आपको डिटेल में दिखाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ग्रैब हैंडल, पीछे देखते हैं तो पार्सल ट्रे रहेगी जिसपे आप अपना खुद भी छोटा-मोटा सामान रख सकते हैं। हेडरेस्ट वगैरह आपको यहाँ पे सारे एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं एंड 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे सीट बेल्ट्स के। आर्मरेस्ट वगैरह हालांकि आपको नहीं मिलने वाला इस कार में, बाकी ये रहेगा इनकी सीट्स की चौड़ाई, थाई सपोर्ट वगैरह। बैठने के बाद इतना कुछ यहाँ पे इसमें आपको लेग रूम नीरूम देखने को मिलेगा, मतलब एवरेज सा रहेगा इस कार के हिसाब से। देन आगे की तरफ देखेंगे तो एक भाई साहब यहाँ पे एयरबैग मिलेगा दूसरा स्टेयरिंग में एंड यहाँ कर्टन एयरबैग, तो टोटल 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं इसके बेसिक मॉडल से। तो 6 एयरबैग, रियर पैसेंजर वाले एसी वेंट्स, डैश कैमरा, ये कब सर इसके प्लस पॉइंट रहते हैं जो आपको इस कार में मिलते हैं एंड आपको टाटा पंच में नहीं मिलेंगे। बट अगर पंच में देखें मोटा मोटा तो आपको उसमें भाई साहब टॉप मॉडल में 16 इंचेस के लॉस मिलते हैं, इसमें दिए जाएंगे 15 इंचेस के एंड पंच में आपको फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं जो आपको इस कार में नहीं मिलेंगे। तो भाई हर गाड़ी के अपना प्लस माइनस पॉइंट होता है, लेकिन फीचर्स वाइज देखेंगे तो यही जीतती हमारी कार। व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं, इसके अलावा उसमें खाकी कलर, ब्लू, रेड, ग्रे, स्टेरी नाइट जैसे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब भाई चलते ड्राइवर साइड की तरफ, हैंडल देख सकते हैं। इसके अपर विंड से आपको उसमें स्मार्ट की मिलेगी रिक्वेस्ट सेंसर के साथ, टोल ट्रिम अगेन पूरा ब्लैक फिनिश में। डैशबोर्ड वगैरह भी डुअल ट्रिम में रहता है ऑरा नियोस की तरह। देन डोर्स में चारों पाउंड के यहाँ पे कंट्रोल्स, बगल में लॉक अनलॉक के बटन्स, यहाँ से अपने ORBM को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो फोल्डेबल आपको मिलता है, ऐसे फोल्ड अनफोल्ड भी करने का ऑप्शन मिल जाएगा। डोर ओपनर ब्लैक फिनिश में, नीचे स्पीकर्स बॉटल रहेगा इनकी डोर्स में। फैब्रिक की सारी सीट्स आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है, साइड में थोड़ा सा लेदर टाइप का टेक्सचर, हाइट एडजस्टमेंट, सीट रिक्लाइन दोनों ही ऑप्शंस। देन इसके बाद जब साइड मैनेजर डालेंगे, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल वाला स्विच हो गया, बाकी इसका हेडलैम्प एडजस्टर, नीचे मैनुअल ट्रांसमिशन के इसके ABC पैडल, नीचे यहाँ पे इसका फ्यूल लिड ओपनर। तो आइए भाई साहब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, लगाते सबसे पहले इसके की को, फिर कवर करते हैं इसका पूरा डैशबोर्ड, देखते हैं और क्या कुछ रहेगा इस Hyundai Exter में। इस तरह पे इसका पूरा व्यू दिखता है। सबसे पहला काम ऑन करेंगे आप इसका इग्निशन, देन इसके बाद स्टीयरिंग में देखेंगे तो यहाँ पे रहेगा Hyundai का लोगो। राइट साइड में आपको यहाँ पे क्रूज एंड MID के सारे कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड में टेलीफोनिक इंफोटेनमेंट वाले सारे कंट्रोल्स, यहाँ पर देखेंगे सिल्वर फिनिश। एडजस्टमेंट में वही आपको टिल्ट एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है इसकी स्टीयरिंग, इसको भी कर दिया फिक्स। इस तरफ यहाँ पे हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स, नॉर्मल हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स। तो अभी आते हैं इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। ये भाई साहब वही Hyundai Venue आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको ट्रिप एवरेज माइलेज रेंज की काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ साथ इधर देखेंगे तो फ्यूल गेज वाली सारी इन्फॉर्मेशन, इधर यहाँ पे टेम्परेचर वाली सारे बार्स, ये रहेगी इसके MID स्क्रीन जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। ये देख रहे ना, ड्राइवर स्टोर जो भी यहाँ पे रहेगा, रिसेट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे, लाइट्स वगैरह अपने हिसाब से ये सब चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ TPMS आपको मिल जाएगा, ये देख रहे हैं ना, ये फीचर भी आपको टाटा पंच में नहीं मिलता है। तो ये हो गई इसकी MID स्क्रीन, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड काफी सारी चेक लाइट्स। अभी आते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ, ये इसका पूरा व्यू। ये भाई साहब वही आपको मिलेगा जो Nios Aura में मिलता था ना, वही 8 इंचेस वाली इसकी टच स्क्रीन, टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सभी कुछ इसमें चला सकते हैं आप, सभी को सपोर्टेड रहेगा। रिवर्स पार्किंग कैमरे की आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, इसमें भी सेंसर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके MID स्क्रीन में। तो ये हो गया इसका टच स्क्रीन, इसी के साथ चार स्पीकर्स, यहाँ पे देखेंगे इसके बटन्स, नीचे देखेंगे तो देन इसका 1000 लाइट का स्विच, AC वेंट्स वगैरह पूरे ब्लैक फिनिश में, एंड ये रहेगा इसका फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ऑन कर देते हैं यहाँ पे, और टाइप सी USB का पोर्ट, यहाँ पे टाइप ए USB का पोर्ट, ये रहेगा इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट। इस विंड में यहाँ पे स्पेस मिलता है, जैसे SX ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे वायरलेस चार्जिंग वाला पैड, ये इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 2 ग्लास होल्डर, यहाँ पे हैंड ब्रेक, डोर ट्रिम, एक यहाँ पे एयरबैग, दूसरा यहाँ पे, दो ये हो गए, बाकी कर्टन एयरबैग, 6 एयरबैग्स आपको मिलने वाले इस कार में। यहाँ पे छोटा मोटा स्पेस अपना खुद भी सामान रख लीजिए, बाकी ग्लव बॉक्स आपको मिलता है नॉर्मल सा, कोई कूल्ड वगैरह नहीं दिया जाएगा। मैनुअली एडजस्टेबल देखेंगे इसका ये IRVM, रूफ लाइट वही पीली वाली आपको ऑफर की जा रही है इस कार के साथ। अभी खोलते हैं इसके सनरूफ को, तो ये इसकी इलेक्ट्रिक सनरूफ जहाँ से एक बंदा आराम से निकल जाएगा, ज़्यादा बड़ी साइज की तो नहीं है, नॉर्मल है। एंड Hyundai Exter में क्या होता है भाई साहब, लॉन्ग लॉन्चिंग से ही आपको यहाँ पर सनरूफ ऑफर की गई थी, एंड पंच में क्या हो भाई साहब, बाद में ही सनरूफ। यहाँ पर देखेंगे तो इसका माइक वगैरह, इधर आपको सनवाइजर में वैनिटी मिरर भी आपको देखने को मिलेगा। इस साइड यहाँ पे आपको उसमें दिया जाता है टिकट होल्डर, बंद कर देते हैं। देन इसका ग्रैब हैंडल, पीछे का व्यू हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के पूरा देख लिया, कैसा कुछ था इसका सेटिंग अरेंजमेंट। तो यही था Hyundai Exter के SX वेरिएंट के अंदर का पूरा डैशबोर्ड। इसे अपग्रेड करेंगे तो वहाँ पे भाई साहब क्या होगा, आपको कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगे, डैश कैमरा हो गया, वायरलेस चार्जिंग वाला पैड हो गया, एंड एलॉयस हो गए, कीलेस एंट्री, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसके अपर वेरिएंट्स में।
तो अब बात करेंगे इस कार के इंजन स्पेस, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो इस Hyundai Exter के साथ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 82 bhp की पावर एंड 114 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, समथिंग वही 19 से 20 kmpl का माइलेज इस कार के साथ। अगर आप सीएनजी वेरिएंट के साथ जाएंगे तो वहां पे आपको पावर फिगर थोड़ी कम मिलती है, उसमें 68 bhp की पावर एंड 95 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा, समथिंग वही 27 का माइलेज। एंड इस वेरिएंट की अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो आप इसका देख रहे हैं SX पेट्रोल वेरिएंट, तो आपको पड़ेगा 8 लाख एक्स रूम एंड 9,35,000 के आसपास जाएगा ऑन रोड लखनऊ। सीएनजी में जाएंगे तो मोटा मोटा 1 लाख आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एंड सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD, 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड डिलर सिस्टम, ट्रैक्शन, ESP, TPMS जैसे आपको इसमें काफी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस Hyundai Exter के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो इसके SX वेरिएंट पे। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।